हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नीट का आर्थ्रोपोडा। मैंने पढ़ाया था कल फाइलम। आर्थ्रोपोडा फाइलम का एग्जांपल्स बताने हैं, एग्जांपल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। किसका एग्जांपल है ये? आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल। तो इसमें आपको देखना है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के, ध्यान दीजिएगा। कुछ तो होते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के लिए होते हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। आपको पता नहीं होगा लेकिन आपको जानना जरूर चाहिए। जैसे बाम्बिक्स मोराई सिल्क वार्म, उससे सिल्क उत्पन्न होता है। बाम्बिक्स मोराई या सिल्क वार्म इसको बोलते हैं, उससे सिल्क उत्पन्न होता है। सिल्क की साड़ी की जो होती है, सिल्क की जो साड़ी बनती है उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है और बहुत ही वो नेचुरल गिफ्ट है। तो कौन उत्पन्न करता है? बाम्बिक्स मोराई, सिल्क वार्म। अगर आप हानि को देखते हैं, हानि मतलब समझते हैं ना, शहद। हानि मतलब शहद होता है। वो हानि जो होता है, अगर हानि आप उत्पन्न करते हैं, किससे उत्पन्न करते हैं? अपने घर बनाते हैं कोलम पेड़ के, कैसे हानि बनता है? हानि के लिए हानि भी होती है, एपीज इंडिका। कौन होता है? एपीज इंडिका, हानि भी। वो नेक्टर को कलेक्ट कर करके, नेक्टर समझते हैं ना, पालन के नेक्टर को कलेक्ट कर करके उससे वो क्या बनाती है? शहद बनाती है हानि। इसके अलावा वैक्स भी देती है वो आपको, वैक्स जो क्रीम वगैरह में यूज़ होता है, सोप में यूज़ होता है, क्रीम में यूज़ होता है, सोप में यूज़ होता है। इसके अलावा लैसीफर लक्का, ट्राकर्डिया लक्का, ये क्या उत्पन्न करता है? लैक या लेसी। ये लैक क्या होता है? इससे बार्निश बनाया जाता है, पेंट बनाया जाता है, बैंगल्स बनाए जाते हैं, चूड़ियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। बात समझ रहे हैं ना? ये और इसके अलावा ये इंसेक्ट जो होते हैं, इससे हानि भी होता है, बटरफ्लाइज होती हैं, समझ रहे हैं ना, बटरफ्लाइज, हानी बीज। तो ये सब क्या होते हैं? ये पॉलिनेशन भी करते हैं। क्या करते हैं? पॉलिनेशन। एक स्मार्ट हानी बी जो होता है, स्मार्ट मतलब एक्टिव हानी बी 10,000 फ्लावर को पर डे पॉलिनेट कर सकता है, आर इवन मोर 10,000 फ्लावर्स को पॉलिनेट करने की क्षमता। पॉलिनेशन के द्वारा प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है। अब अगर वो पॉलिनेट ना करे तो प्लांट से जो है वो क्या होंगे? उत्पन्न नहीं होंगे अनाज। ये तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस वाले थे, हानिकारक जो थे मैं लिखता जा रहा हूँ, नहीं तो बताते ही रहूँगा। पहला एग्जांपल थोड़ा और इधर से लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। एग्जांपल पहला है एपीज, ये देखिए एपीज इंडिका, ये हानि भी है। कौन है भाई? हानि भी। इससे क्या उत्पन्न होता है? हानि क्या उत्पन्न होता है? हानि उत्पन्न होता है। दूसरा है बॉम्बिक्स, ये लिखना है आपको, बाम्बिक्स मोराई। इससे क्या उत्पन्न होता है? इसको सिल्क वार्म कहते हैं, इससे सिल्क उत्पन्न होता है, सिल्क वार्म। अगला है लैसीफर। अगला है लैसीफर, लैसीफर लक्का, इससे उत्पन्न होता है लैक, जिससे चूड़ियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? चूड़ियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। इसके अलावा ये हानि भी पॉलिनेशन भी करता है। ये क्या करता है? पॉलिनेशन भी करता है। क्या करता है? पॉलिनेशन। ये तो आप पढ़ेंगे ही। तो ये तीनों कैसे हो गए? इकोनॉमिक
इम्पॉर्टेंस के लिए हैं। किसके लिए हैं? इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के लिए। हो गया, ये इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक, बोलिए ना भाई। अगला है जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, पेस्ट आर्थ्रोपॉड्स, समझ रहे हैं ना, जो ग्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके विषय में कुछ जान लीजिए। पहला है लोकस्टा, लोकस्ट कहते हैं। ये क्या है? टिड्डी का नाम नहीं सुने हैं? क्या करता है वो टिड्डी? किसको खाता है? सब्जी रोटी खाता है? किसको खाता है तब? टिड्डी नहीं जानते हो? अरे जो जो जनहरी उनहरी पत्ती को खा जाता है, समझ रहे हैं ना, टिड्डा उसको बोल दो कष्टा। और शुगर केन लीफ हॉपर, हो गया। दूसरा है लोकस्टा, हो गया। दूसरा है लेप्टोकोरिसा, धान वाला ये है, देखो लेप्टोकोरिसा, इसका कॉमन नेम है गंधी बग, गंधाता है ये। कौन है ये? गंधी बग। कॉमन नेम उधर लिख दे, सॉरी, लेप्टोकोरिसा, ये गंधी बग है। किसको नुकसान पहुंचाता है? धान की फसल को। किसको? धान की फसल को नष्ट कर देता है वो। जब धान का सीड बनता है, तो धान के सीड बनते समय क्या करता है? उसको खाता है। दुधिया स्टेज को बोलते हैं, मिल्की स्टेज, मिल्क को शक कर जाता है। जब मिल्क की स्टेज को शक कर लेगा तो धान बनेगा ही नहीं, तो धान का केवल आपको ऊपर वाला कोट मिलेगा। धान का कोट तो समझ, इसको पाई बोलते हैं, पहिया हो गया। का पहिया हो गया? इस भैया ने मार दिया तो पहिया हो ही जाएगा। कौन मारा? लेप्टोकोरिसा ने। लेप्टोकोरिसा एक उटा, हो गया। और इसके अलावा शुगर केन लीफ हॉपर, शुगर केन लीफ हॉपर, उसका नाम है पायरिल्ला परपुसिल्ला, इसको बोलते हैं शुगर केन लीफ हॉपर। ये क्या है? हार्मफुल फॉर, किसके लिए हार्मफुल है? प्लांट्स, ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। लोकस्टा, टिड्डा, लेप्टोकोरिसा, गंधी बग, समझ रहे हैं ना, लेप्टोकोरिसा गंधी बग जो धान को नुकसान पहुंचाता है, और पारिल्ला ये शुगर केन लिफा पर शुगर केन को नुकसान पहुंचाता है। शुगर केन जानते हैं ना? शुगर केन जानते हैं? गन्ना नहीं जानते हो? शुगर केन को नुकसान पहुंचाता है ये। शुगर केन की पत्ती के सेल्स को सक कर लेगा, जिससे शुगर की पत्तियां जो है सूख जाएंगी। जब पत्तियां सूख जाएंगी तो शुगर नहीं बनेगा उसमें, तो जो उसमें से शुगर निकलने वाला था होता है वो क्या हो जाएगा? उसकी कमी हो जाएगी। आगे जो आपको पढ़ना है इसको लिखते रहिए, आप साथ साथ लिखिए। ये बहुत सारे नीट वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है, ये तो पहला था फायदे वाला,
दूसरा नुकसान वाला वेक्टर आर्थ्रोपॉड्स, पहला वेक्टर आर्थ्रोपॉड्स क्यूलेक्स, दूसरा इनाफ्लीज, इनाफ्लीज, तीसरा एडीज, AEDES, एडीज, क्यूलेक्स। इससे क्या फैलता है? ये फाइलेरिया फैलाता है। इससे क्या उत्पन्न होता है? मलेरिया, मलेरिया को उत्पन्न करने के लिए होता है। इससे कौन होता है? डेंगू फीवर, डेंगू फीवर, बोलिए ना, डेंगू फीवर। ये कौन हो गए? वेक्टर होस्ट हो गए, वेक्टर आर्थ्रोपॉड्स, वेक्टर आर्थ्रोपॉड्स जो वाहक होते हैं। हाँ सॉरी, और भी तीन दो लिख लीजिए, चार। कौन है? सीसी फ्लाई, सीसी, सॉरी फुल नेम लिख दें इसका, इसका फुल नेम लिख दें, फ्लीबोटोमस, फ्लीबोटोमस, और ग्लोसीना। फ्लीबोटोमस ये है सैंड फ्लाई, किसका वेक्टर है? कालाजर का वेक्टर है। ये सारे मॉस्किटो की वैरायटी हैं। ये तीनों किसकी वैरायटी हैं? ये मॉस्किटो की वैरायटी हैं। किसकी वैरायटी भाई? मॉस्किटो सारे ब्लड सक करने वाले हैं। इसमें से ग्लोसीना पाल्पलिस देखिए, ग्लोसीना ये है सीसी फ्लाई, ये भी ब्लड सक करने, ये दोनों ब्लड सक करने वाले, ये सब के सब ब्लड सक करने वाले। ये मॉस्किटो हैं, मच्छर। क्यूलेक्स से मलेरिया फाइलेरिया होता है, एनाफिलीज से मलेरिया होता है, एडीज से डेंगू फीवर और येलो फीवर भी होता है। एंड येलो फीवर, येलो एंड येलो फीवर लिख लीजिए, डेंगू फीवर एंड येलो फीवर हो गया ना, डेंगू फीवर और येलो फीवर होता है। डेंगू फीवर और ये बगल में येलो फीवर, ये सैंड फ्लाई से कालाजर, सीसी फ्लाई से स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस अनिद्रा रोग होता है, इसको अनिद्रा रोग कहते हैं। हो गया ना, स्लीपिंग सिकनेस। ये सारे सारे क्या है? ये सब के सब वेक्टर हैं। सारे सारे क्या है? वेक्टर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे क्या है? ये वेक्टर है, आर्थ्रोपॉड्स है। कौन है? वेक्टर आर्थ्रोपॉड्स। हो गया भाई। आगे है फॉसिल आर्थ्रोपॉड्स। किसी फॉसिल आर्थ्रोपॉड का नाम बताइए आप लोग, फॉसिल आर्थ्रोपॉड का नाम बताइए। लिमुलस, किंग क्रैब कहते हैं इसको प्यार से। क्या बोलते हैं? किंग क्रैब। ये लिविंग फॉसिल है। क्या है ये? लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल।
क्या है ये? लिविंग फॉसिल, ये किंग क्रैब हो गया, लिविंग फॉसिल। इसके अलावा लेपिज्मा बहुत पूछता है, लेपिज्मा नाम सुने नहीं जानते हैं, बहुत ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन बहुत पूछता है। लेपिज्मा सिल्वर फिश कहते हैं इसको, है कि आर्थ्रोपॉड, इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर फिश। लेपिज्मा क्या बोलते हैं? सिल्वर फिश बोलते हैं लेपिज्मा। सिल्वर फिश, ये जो लेपिज्मा होता है, सिल्वर फिश क्या करता है? डैमेज द बुक, ये बुक वगैरह क्या करती हैं? डैमेज द बुक्स वगैरह को, ये बुक्स वगैरह को डैमेज करती हैं। हो गया, इरेज कर दें इसको, ऊपर वाला तो इरेज कर सकते हैं। हो गया भाई, देखिए अब आप आगे है क्रिकेट। अब आप कहेंगे क्या है सर जी क्रिकेट, जो खेलते हैं ये खेलने वाला क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट मतलब होता है झींगुर, झींगुर का नाम सुने हैं? कैसा होता है? इतना बड़ा बड़ा फुदकता है, उछलता है ना, जैसे गेंद उछलती है, इसे इसका नाम है, क्रिकेट का नाम है झींगुर खेल है। क्रिकेट का नाम क्या है? झींगुर खेल। तो इसका मतलब झींगुर होता है क्रिकेट, समझ रहे हैं ना? ये क्रिकेट जो होता है ये भी आर्थ्रोपॉड्स है, ठीक है, हालांकि नुकसान नहीं पहुंचाता, ये कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचाता क्रिकेट। इसे ये आवाज़ भी करता है अपने उसको रब्ड करके। क्रिकेट हो गया, ये है, ये झींगुर। आगे जो है टर्माइट्स, टर्माइट्स ये किसको नुकसान पहुंचाते हैं? वुड को, लकड़ियों को। किसको नुकसान पहुंचाते हैं? किसको हार्म करती हैं? ये हार्मफुल हैं, हार्म द हुड। किसको हार्म पहुँचाए थे? हार्म द हुड एंड प्लांट्स, वुड और प्लांट्स को हार्म पहुँचाती हैं। हो गया, बोलिए ना। इसके अलावा आपको जो देखना है काकरोच, तो उसका पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना काकरोच कहते हैं इसको। ये ट्रांसमिट करता है। हाउस फ्लाइज मस्का, मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका ये क्या करते हैं? इसको हाउस फ्लाई कहते हैं।
हाउस फ्लाई, क्या करता है ये हाउस फ्लाई कहलाते हैं। दोनों क्या हैं? ट्रांसमिट द डिजीज, ये डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट द डिजीज लाइक कालरा, टाइफाइड, लाइक कालरा, टाइफाइड, एमीबियोसिस, पेचिश सब करते हैं, समझ रहे ना। तो ये डिजीज को ट्रांसफ़र करने वाले हैं। किसको ट्रांसफ़र करने वाले हैं? डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने वाले होते हैं भाई। आगे जो है आप जानते हो, एग्जांपल और भी हैं। हाउस फ्लाई जो है काक्रोच जो डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है, किसको ट्रांसमिट करता है? डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है। इसके अलावा जो है कुछ आर्थ्रोपॉड होते हैं जैसे प्रॉन या पॉलीमॉन होता है, पॉलीमॉन। ये इडिबल है, इडिबल मतलब इडिबल आर्थ्रोपॉड्स है, नहीं है? अरे बोलते ना यार, इडिबल आर्थ्रोपॉड्स आप सारे जानते होंगे। खाना जाता झींगा मछली, बताया था उस दिन, ये झींगा जो मछली होता है वो इडिबल आर्थ्रोपॉड्स होता है, इडिबल खाया जाने वाला। ये इतना बड़ा भी हो सकता है, बहुत न्यूट्रिएंट वाला होता है, खाने से ताकत बहुत आती है, एनर्जी खूब आता है। टनाटन खाइए, कोई टेंशन नहीं है। और अगर समुद्री वाला लेंगे तो इतना बड़ा बड़ा हो सकता है, 90 सेंटीमीटर। जो लार्जेस्ट स्पीसीज का है पॉलीमॉन कार्सिनस, वो 90 सेंटीमीटर का होता है, 90 सेंटीमीटर, एक मीटर थोड़ा सा कम, वो समुद्र में पाया जाता है। लेकिन आपके यहाँ जो पोखरे वोखरे मिलता है नदियों वगैरह में, तो छोटे छोटे साइज़ के होते हैं पॉलीमॉन। इसको खाया जाता है, इंटरेस्टिंग होता है, मज़ेदार होता है खाने में, है ना। अब इसके बाद जो है आर्थ्रोपॉड्स हो गए, हाँ, जीनोप्सिला चियोपिस, जीनोप्सिला चियोपिस, रेड फ्ली इसको बोलते हैं, रेड फ्ली। इससे होता है प्लेग, कौन होता है? प्लेग होता है, जान लो। कुटकी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको? कुटकी कहते हैं, जीनोप्सिला चियोपिस, जीनोप्सिला चियोपिस कुटकी कहते हैं। इससे ज़्यादा बताने का मतलब आपको बेवकूफ़ बनाना है। बहुत सारे हैं, अभी तो हेडलाइस है, पेडिकुलस लिख दे। अच्छा, आप लोग की इच्छा है तो लिखे दें, पेडिकुलस, पेडिकुलस। ये कौन है? ह्यूमन लाइस, बहुत सारे नाम हैं। ह्यूमन लाइस मतलब जो जू पड़ते हैं अंदर। देहात में महिलाओं को देखिए, कुछ जो थोड़ा नहाते होती कम है, शैम्पू वम्पू कम करते, एक हफ्ते में कभी करेंगी, तो उनको देखिए बैठ जाती हैं गोल बना के। अब बैठ जाएंगी तो उसमें दो टो निकालने लगती हैं, समझ, जुआ निकाल रही हैं। खूब बत्ती आएंगे, खूब जुआ निकालेंगे, इतना जुआ, इधर देखो, निकाल निकाल बंदर की तरह उसी को मारते रहेंगे। काम तो है नहीं, कौन कोई काम है उनको, इधर देखिए, काम नहीं है तब कम से कम जुए निकालें। जो जंगल में मंगल करता है, और इसके बाद देखिए कभी कभी कंडीशन देखिए, जो थोड़ा ऐसी महिलाएं होती हैं, वो जब हाथ इधर देखे, जब पूरा बाल में ऐसे अंगुली डालती हैं ऐसे, मज़ा आ जाता देखने में, नहीं तो वो जानते क्या करते हैं, वो ब्लड सकिंग है, खून चूसता है, और टाइफस फीवर भी फैलाता है, ट्रांसमीटर भी है ये, टाइफस फीवर। ढील का सर में रहना, जू का सर में रहना आपके लिए हानिकारक है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए भी हानिकारक है। तो आप अगर आप जंगल में मंगल पाले हो तो इसको प्रयास करके, मेडिकेयर वगैरह आता है ढेर सारे शैम्पू, मेडिकेयर वगैरह उसको जू को मार देता है, और शैम्पू अगर प्रॉपर करते रहेंगे तो ये जुएँ जो है मर जाएंगे बेचारे, ठीक है भैया। अगला है साइमेक्स, नाम सुना है? नहीं पता, हम बता रहे हैं। साइमेक्स पढ़े खूब इंटर में है, कुछ सब इंटर का है, मेडिकल में आता है। ये मैं साफ नीट का पढ़ा रहा हूँ,
समझ रहे हैं ना। अब साइमेक्स, इसको बोलते हैं बेड बग, क्या बोलते हैं, अरे खटमल, अरे खटमल यार जो खाट में पड़ता है, अब आप रात भर उछलते रहते हैं, डांस कराता रहता है ये साइमेक्स। कैसे डांस कराता है, जब सोना चाहेंगे तब किच से काटेगा, उछल जाएंगे सब, ठीक है, और जब घेरा खून चूसेगा वो, है ना। तो ये सारे आर्थ्रोपॉड्स और ढेर सारे हैं, इतना हम नाम लिख बताएंगे पागल हो जाएंगे आप लोग, इससे ज़्यादा बेटर है कि इससे ज़्यादा नाम आपको ना बताएं, ठीक है। अगला फाइलम आपको पढ़ना है कल, फाइलम मोलस्का, क्या पढ़ना है आप, क्या पढ़ेंगे कल, फाइलम मोलस्का, लेकिन फिर भी मोलस्का के विषय में कुछ बता ही देंगे, कुछ तो बताना ही है, फाइलम मोलस्का, इसको लिख लीजिए पहले, पूरा लिख लीजिए। अगला जो एनिमल्स है, एनिमल है वो है फाइलम मोलस्का, हेडिंग में लिख दे रहा हूँ। क्या क्या पिक्यूलर करेक्टरिस्टिक फीचर, कुछ तो आपको बता ही देंगे हम आज, ये हो गया, ये पूरा लिख डालिए, फाइलम आर्थ्रोपोडा खत्म हो गया। अगला हेड डालेंगे फाइलम, कौन सा फाइलम, मोलस्का, क्या मोलस्का, मोलस्का, फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का, कुछ बातें दो चार लाइन तो बता ही देंगे, दो चार का हाल माल फीचर आपको बता दे रहे हैं फाइलम मोलस्का का, फाइलम मोलस्का, ये आप इसको लिख लीजिए भाई, हम खड़े हैं बगल में इसलिए, फाइलम मोलस्का जो होता है, फाइलम मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम कौन, फाइलम आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है, फाइलम मोलस्का। मोलस्का का कुछ हाल माल फीचर होता है, हाल माल फीचर का मतलब आइडेंटिफाइंग करेक्टर, जो दूसरे फाइलम मिलते नहीं, जैसे मेंटल और हार्ड बॉडी कवरिंग, कवच कुंडल, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ जो उसके ऊपर कवरिंग होता है वो दूसरे किस फाइलम में नहीं होता। सीप जानते हैं, यूनियो का नाम सुना है कभी आपने, ना देखे हैं सीप, नहीं देखे हैं, देखे हैं, उससे आम छिलती महिलाएं, आम छिलती हैं देहात में, देखिए उसको क्या कर, सीप का ऊपर वाला कवरिंग लेके उसको पत्थर पर रगड़ देंगी, पत्थर पर बीच में होल हो जाएगा, उससे आम छीलेंगी, आपका छिलनी जो आप स्टील का छिलनी खरीदते हो उससे 10 गुना ज़्यादा तेज छीलेंगी, और दसियों साल चलता है एक ठो, जितने वो कटता जाए उतना वो चुकी नुकीला होता जाएगा, अब आप तब तक 10 साल में 500 स्टील की छिलनी बदल चुके हुए होंगे, वो एक छुले के 10 साल चला रहे हैं, पैसा बचाते हैं वो। तो मैं क्या बता रहा, बहरहाल पैसा बचाए ना भाई, तो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम ये है, फाइलम मोलस्का का जो पिक्यूलर करेक्टरिस्टिक फीचर है उस, इसके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, समझ रहे हैं ना, हार्ड कवरिंग कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, उसके नीचे थिन मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं मेंटल, उसके नीचे क्या होता है थिन मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं मेंटल बोलते हैं, MENTLE मेंटल। इसका जो बॉडी होता है वो डिवाइड होता है फूट विसरा एंड हम्प, फूट विसरा और हम्प में डिवाइड होता है, फूट विसरा और हम्प में, ये एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन लार्वल फॉर्म इसका बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ये एसिमेट्रिकल होते हैं लेकिन लार्वल फॉर्म बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रीनल ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजानस होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रीनल ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजानस होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रीनल ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजानस। रेस्पिरेशन के लिए गिल होता है या पल्मोनरी चैम्बर होता है, रेस्पिरेशन के लिए गिल होगा या पल्मोनरी चैम्बर, ये इंडिविजुअल अमोनोटेलिक होंगे या यूरियोटेलिक होंगे, मेल फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, और मेल फीमेल क्या होते हैं सेपरेट। इसमें एक टारजियन पाया जाता है, टारजियन एक प्रोसेस होता है टारजियन, जिसमें पूरी बॉडी से क्वाइल्ड हो जाती है, 180 डिग्री एंगल पर क्या होती है क्वाइल्ड कर जाती है, उसको टारजियन बोलते हैं, टारजन पिक्चर नहीं टारजियन होता है वो, ठीक है। मेल फीमेल दोनों जो है सेपरेट होंगे, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट, अगर इनडायरेक्ट होगा तो उसमें ग्लाचिडियम लार्वा होगा या वेलियर लार्वा होगा,
ग्लाचिडियम लार्वा होगा और वेलिजर लार्वा हो सकता है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन और बाकी जनरल मैराइन हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, और इनमें पिकुलियरिटी जो होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, तो जनरल करेक्टर है सब, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, सीलोमेट होंगे, ओपन टाइप ब्लडोस्पोर सिस्टम पाया जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये सारे पिकुलर करेक्टरिस्टिक फीचर इसके हैं। एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होती है, रेडुला पाया जाता है, चीविंग ऑपरेटर्स रेडुला, चीविंग ऑपरेटर्स क्या पाया जाता है, रेडुला, RDULA चीविंग ऑपरेटर्स, ठीक है ना। तो ये अब इसके विषय में डिटेल बातें हम कल बताएंगे, लिखाते हुए चले जाएंगे, कल मामला उसका भी ख़त्म हो जाए, कल मतलब हाँ ठीक है।